नमस्कार, आज मैं बनाने जा रही हूँ ठेकुआ रेसिपी। ये बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी है। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2 बड़ा कटोरा गेहूं का आटा, 2 बड़े चम्मच शक्कर डाले हैं और इसमें थोड़े से कुकिंग ऑयल डाल लिया है और 1 कटा हुआ नारियल हमने काट मिक्स कर लेना है और इसे अच्छे से मैटर में मिक्स कर लेंगे। हमने 250 ग्राम शक्कर और पानी को मिक्स करके रखा है एक छोटे से कटोरी में। मैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं डालना है क्योंकि वो फ्राई करते हुए टूट जाएगा, इसलिए करीब हमें 4 छोटे चम्मच ही कुकिंग ऑयल डालना है। ये शक्कर और पानी के मिश्रण को धीरे धीरे डाल के भी अच्छे से मिक्स करते रहना है। थोड़ा थोड़ा करके शक्कर और पानी को मिश्रण को डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डाल के मिक्स करते रहेंगे। मिक्स करते रहना है थोड़ा थोड़ा डाल के। अभी हमारा मैटर तैयार नहीं हुआ है। दोनों हाथों से इस प्रकार इसे गुथना है। 2 बड़े चम्मच शक्कर। शक्कर डालने से क्या होता है, हमारा ठेकुआ ऊपर से दिखने में अच्छा लगता है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और हमारा ये मैट जो पानी और शक्कर का मिश्रण था वो ख़त्म हो गया है, इसलिए हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स कर रहे हैं क्योंकि हमारा मैटर अभी तैयार नहीं हुआ है। दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें मैटर का ही ध्यान रखना है कि मैटर ज़्यादा टाइट ना हो और ना ज़्यादा ढीला हो। से हमें इसे मिक्स करते रहना है। करीब हमारा मैटर अब तैयार होने लगा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारा मैटर तैयार होने लगा है। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स एवं सब्सक्राइब कीजिए। हथेलियों में दबाकर इसे गोल बना लेंगे। ये देखिए हमारा मैटर तैयार हो चुका है। अब इसे हम दोनों हथेलियों के बीच लेकर दबा लेंगे। ये देखिए इसे हम सांचे पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे दोनों हथेलियों के बीच गोल करके टिक्की जैसा बना लिया है।
इसी प्रकार पूरे मैटर को हम तैयार कर लेंगे। इसी प्रकार सारे मैटर को हम तैयार कर लेंगे। तलने के लिए हमने कुकिंग ऑयल डालकर इसे गर्म कर लिया है। इसे हम छोटा सा टुकड़ा डाल के पहले चेक कर लेंगे। कुकिंग करते समय अपने फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा रखने से हमारा ठेकुआ अंदर नहीं पकेगा और कम रखने से ठेकुआ पकेगा ही नहीं। तो हमें मीडियम फ्लेम पर ठेकुए को तलना है। हमने ठेकुआ डाल दिया है। ये हमारा ठेकुआ तल रहा है। एक दो मिनट के अंतराल पर इसे हमें पलटते रहना है, नहीं तो ठेकुआ हमारा एक तरफ से जल जाएगा। करीब हमारा ठेकुआ तल चुका है। ये देखिए हल्के ब्राउन हो चुका है। एक बार इसे और पलट लेते हैं, दूसरे तरफ से भी इसे ब्राउन कर लेते हैं। ये देखिए हल्के ब्राउन हो चुका है हमारा ठेकुआ, तल चुका है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी ठेकुए को भी तल लेंगे। ये हमारा ठेकुआ तल चुका है, इसे हम दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारा ठेकुआ तैयार हो चुका है।